जोगिंद्रनगर में मंगलवार को भूतपूर्व सैनिक लीग के परिसर में स्थायी कैंटीन का शुभ आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने किया। लीग के प्रधान कर्नल जीएस शाही सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया तथा भारतीय सेना की ओर से पधारे सेकंड जीओसी एमएस बेंस, कर्नल मानस कुंद सहित रवि राजन उपस्थित रहे। लीग के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। स्वागत भाषण में शाही ने सभी का स्वागत किया तथा इस कैंटीन के लिए सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। वहीं शाही ने कुछ मांगे भी रखी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से इस कैंटीन को स्टेशन हेडक्वार्टर पालमपुर से जोड़ने की मांग की तथा आधुनिक तकनीक की मेडिकल सेवाओं की भी उन्होंने मांग रखी। शाही ने कहा कि अब इससे फौजियों को शराब का कोटा भी उपलब्ध रहेगा। शाही ने बताया कि इस कैंटीन से लगभग 17,000 कार्ड होल्डर लाभप्रद होंगे। सिर्फ 3 दिन के लिए होता था, 3 दिन में तकरीबन 500 आदमी के करीब ले पाते थे। बाकी आदमी या तो दहने भाई जो कैंटीन है उनके लिए जाते थे या भूल जाते थे, वो अपना कोटा नहीं ड्रॉ करते थे। तो लेकिन अब ये परमानेंट होने के बाद में, जो हमें पहले परमानेंट लाइसेंस था, ये कैंटीन जो है सिविल में 8,000। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।